आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की कहानी शीशा फूआ। राधा के सिर से उसके पति का हाथ उठ जाने की सनसनीखेज खबर उस गांव के एक एक घर में पहुंचकर पूरे परिवेश को एक बार फिर गम में डुबो गई। जिसने जहां सुना वहीं से राधा के घर की ओर भाग चला। उसके घर आंगन दरवाजे पर स्त्री पुरुष बच्चों की भीड़ जम गई। राधा के दरवाजे से लेकर आंगन तक सबके सब निशब्द किंकर्तव्य विमूढ़ सांत्वना के शब्द जैसे रीत गए हों। राधा के हृदय विदारक क्रंदन को द्विगुणित कर रही थी उसकी माँ। महिलाएं भी उनके सुर में सुर मिलाती हुई। तभी दरवाजे की ओर से भागता हुआ आकर एक लड़का भीड़ में एक संदेश उड़ा गया, शीशा फुआ आई है। और उस नाम को सुनते ही सबके सब स्वर जहाँ थे वहीं थम गए, जैसे शीशा फुआ के आगे रोना एक गुनाह हो। सबकी सब महिलाएं वो बच्चे फुआ को देखने दरवाजे की ओर खिसकने लगे। भीड़ को चीरती एक सख्त आवाज गूंजी, कहाँ है रदिया, कहाँ है उसकी माँ। राधा और उसकी माँ को ढूंढती शीशा फुआ वहां पहुंची जहां दोनों औंधे मुंह पड़ी थीं। फुआ की आवाज फिर गूंजी, अंधेरे में क्यों पड़ी है। फुआ दोनों को खींचकर बाहर ले आई, हाथ मुंह धुलाया। थमे हुए वक्त में गति आने लगी। शीशा फुआ का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, उन्हें रुकना थकना पसंद नहीं था। शीशे की तरह साफ पारदर्शी। गांव के लोगों पर किसी भी प्रकार की आए विपत्ति के समय शीशा फुआ आधिमक्ती और फिर किसी प्रकार की शाब्दिक सांत्वना धैर्य की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं धैर्य की जीती जागती मूर्ति थी। राधा ने भी एक बार उस शीशे में अपना चेहरा देखा और मुंह बंद कर लिया। अंदर से एक अदृश्य शक्ति ने उसे गतिमान होने के लिए मजबूर कर दिया। शीशा फुआ के गर्वीले परिचय से उस गाँव का बच्चा बच्चा वाकिफ है। मैं नौ भाइयों की बहन हूँ, नौ भाइयों की। निश्चय ही लोक कथाओं में वर्णित सात भाइयों के बीच एक बहन के नसीब से भी अपने भाग्य को ऊंचा दर्शाने के एहसास से भरा हुआ उनका पुनरावृत परिचय। फुआ के पिताजी के दो लड़के दो लड़कियां, उनके अन्य तीन भाइयों के लड़के ही लड़के, नौ भाइयों के बीच दो बहन। शीशा फुआ ने न जाने क्यों अपनी बहन के अस्तित्व को कभी स्वीकारा ही नहीं। बचपन से ही क्या अपने बड़े भाइयों से लाड़ प्यार प्राप्त कर छोटों पर उड़ेलती रही। छोटे भाइयों को गोद में उठाए दिन भर मोहल्ले टोले में भागती फिरती, चाचियां भी खुश। बड़का चाचा मेरे ही हाथों खाना खा लेते थे। छोटका काका को मैं ही हुक्का भर कर देती थी। मंझला काका को मेरे साथ खाए बिना स्वाद नहीं मिलता था। अपना बचपन बखानते हुए फुआ घर के एक एक सदस्य में स्वयं का उपयोगी संबंध जोड़े बिना ना रहती। हम छोटी छोटी बहनें, मैं, नारायणी, विधा, शांति, उषा, गीता, उन्हें घेर कर बैठ जाती। फुआ अपने भाग्य की सराहना करते करते अनायास लंबी छलांग लगा हमारी निस्सारता पर उतर आती। मैं तो अकेली थी, अकेली। तुम लोगों की तरह एक दर्जन नहीं, एक टिड्डी दल भाइयों के आंगन में उतर आई हो, तभी तो तुम बहनों का मानदान नहीं होता। उनके भाग्य की सराहना में फूली बैठी हम बहनों को भला अपनी निस्सारता कैसे कबूल होती। हम सब एक साथ साथ को छेड़ बैठी। फुआ, अब आपको कौन पूछता है। आपके बाप चाचा का जमाना लत गया, अब तो हमारा मौका है, हमारी पूछ है। आप तो पुरानी पड़ गई हैं। फुआ को पुरानेपन से सख चिड़ी थी। वो तमक उठती, कौन पुराना, देखती हो मेरे भाइयों को मेरे बिना चैन नहीं। बड़े छोटे मौके पर सब बुलाते हैं, बड़का भैया से लेकर सुमंगल तक। चल चल के पूछवा दूँ। और फिर तो हम कितना भी नानुकुर करें, दरवाजे चढ़ अपने बड़का भैया यानी मेरे पिताजी से पूछवा कर ही दम लेती। फुआ ने अपने कथन की पुष्टि के लिए जाने कितने प्रसंग कंठाग्र कर रखे थे। हमारी बहुमत की भैंस भी उनकी बुलंद आवाज की लाठी से पिटकर रह जाती। फुआ के परोक्ष में काकी सुनाया करती थी, बाप चाचाओं एवं नौ भाइयों की दुलारी बहन की शादी में संयुक्त परिवार वालों ने एक न उठा रखी। सामर्थ्य से अधिक दे देकर संपन्न घर, सुंदर वर खोजकर शादी की। और गांव जवार में उस ऐतिहासिक शादी के वर कन्या तथा बारात से लेकर एक एक घटना की सामाजिक चर्चा परस्कर बासी भी नहीं हुई थी कि ठेके एक वर्ष बाद बेनीपुर से संवाद लेकर एक नाई आया। कुशल पूछते बड़का बाबा का पैर पकड़कर नाई बिफर पड़ा, मालिक मालिक। और उस भयानक खबर का अंदाजा लगते ही बाबा को काट मार गया। कई दिनों तक चारों चूल्हे नहीं जले, घर का बच्चा बच्चा तक खटान पैटान दिए पड़ा रहा। शीशा फुआ की खोज खबर लेने जाने की किसी की हिम्मत नहीं। डोली जो ससुराल के लिए उठी तो लौटी भी नहीं थी। गांव जवार के प्रसिद्ध रामायणी मजली काका ने पांव पकड़े ससुराल के लिए विदा मांगती लाडली को भीगे स्वर में आशीर्वाद दिया था, अचल रहे अहिवास तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधारा। उसी रामायणी काकी की आंखों में उतर आई गंगा जमुना की धारा रुकने थमने का नाम न ले।
सारे समाज की आंखों की अविरल धाराओं को बांधने का संदेशा ले आई एक डोली के दरवाजे पर रुकते ही औंधे पड़े परिवेश में सनसनी फैल गई। आश्चर्य मिश्रित अटकलें लगने लगीं। कौन आया? किसी को तो बुलावा नहीं गया। घर की सब बहुएं तो घर में ही थीं। खानदान की एक ही बिटिया शीशा, जिसे बुलावा भेजने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, और डोली में तो लाल लाल ओहार लगा था। शीशा तो तभी ओहार उठा। डोली से गुलाबी फुर्दी साड़ी में लिपटी एक आकृति उतरने लगी। शरीर के ढांचे से दरवाजे पर बैठे बड़का काका ने अपने खानदान की इकलौती को पहचान लिया। उनका कलेजा फटने को आया। काकी मुंह पर आंचल कसकर बांधे बेटी को डोली से उतार लाई। पिछले 15 दिनों से आंसुओं में डूबे घर परिवार के जैसे आंसू चुक गए। स्वयं फुआ हंसते हंसते सबसे गले मिल रही थी, कोई रोता कैसे? तब से लेकर आज तक कोई उनके सामने उनके फूटे भाग्य की खातिर नहीं रोया, उनकी माँ भी नहीं। आंख बचाकर जो जितना बिलख ले। उनकी शादी के बाद ही 4 भाइयों के बेटे पोतों से भरा परिवार 4 चूल्हों में बट गया था। अब भी फुआ के लिए चारों एक ही थे। उनकी इच्छा जब जहाँ खाने सोने की हो वहीं खाती सोती, कोई रोक नहीं। गांव की कोई स्त्री कभी उनके भाग्य पर नहीं रोई। हाय, क्या हो गया इसके भाग्य को? दरअसल फुआ अराने भाग्य की सराहना करती नहीं गगाती। 9 भाइयों के प्रेम प्रसंगों में डूबती उतराती पूरे परिवेश को भी वो प्रेममय बना देती, और उनकी हाँ में हाँ मिलाती औरतें भूल जाती कि शीशा फुआ का ब्याह भी कभी हुआ था। वही कुंवरेपन से भरी चंचलता, चपलता, अल्लड़ वार्तालाप, कानों में लटकते लंबे कर्ण फूल, गले में सोने की हंसुली, कलाइयों पर चौड़ी कटाईदार पहुंची। माँ तो मांग ही तो सुनी थी। अपनी बातों से अपना स्थान सर्वोपरि रखने वाली फुआ के भव्य व्यक्तित्व पर कभी वैधव्य की छाया तक नहीं पड़ी। बुआ ने स्वयं वैधव्य स्वीकार नहीं किया तो थोपने की हिम्मत किसमें होती? फुआ की कोख में पल रही पति की निशानी की बात जब आंगन की स्त्रियों के बीच फैली तो सबकी सब भगवान से प्रार्थना कर उठी। भगवान, इस अभागन को एक लड़का दे देना, जीवन का सहारा हो जाएगा। शीशा फुआ की गोद जब एक नवजात कन्या ने भर दी तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। नाना नानियों के दुलार में पल रही बच्ची के अस्तित्व को बुआ ने निर्विकार भाव से लिया। 2 वर्ष की पुत्री को उसके दादा दादी के घर ले जाने की बात स्वयं फुआ ने ही उठाई। काका, अब बच्ची को इसके दादा के पास ले जाओ। दरवाजे पे बैठे चारों बुजुर्ग अपनी बेटी के व्यवहार कुशलता की बात पर हतप्रभ रह गए। फुआ पर ससुराल वालों ने कभी कोई बंधन नहीं लगाए। जब उन्हें मैके जाना हो जाए, जब आना चाहती हैं स्वागत करते। ससुराल भी 4 भाइयों का परिवार था, एक स्वर में सबके सब फुआ का सम्मान करते। फुआ ने अपने मैके की गौरव गाथा सुना सुना देवरों को मुंह रखा था। तीनों देवर जी हजूरी के लिए तत्पर। अपनी भाभी के मुंह से निकली गालियां भी उन्हें फूल समान लगती। फुआ अपने सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्यों से सचेत थी और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग थी। ससुर से कहकर उन्होंने जमीन के बंटवारे में अपना हिस्सा निकलवा लिया था। उनकी खेती भी देवर लोग ही करवाते। उनके देवर की जमीन पहले भले कभी किसी कारण परती रह जाए, फुआ की जमीन परती रहे तो देवरों की खैर नहीं। दिन बीतते देर न लगी। देखते देखते उनकी बेटी जवान हो गई। उनके देवर परेशान, घर वर ढूंढना आसान नहीं था। कोई कोर कसर छोड़ी कि बुआ उनका एक न उठा रखती। बीच आंगन में खटिया डाले बैठी बुआ बेटी दामाद को देने के लिए सामग्रियों की फरमाइश करती रही। सबके सब देवर देवरानियां एक पांव पर खड़े हुक्म बजाते रहे। बेटी विदा करते हुए फुआ आम लोगों की अपेक्षा कम ही रोई थी। अब तो साल में उनके 2 महीने तीर्थाटन में ही बीतते। घर एवं आस पड़ोस की बीमार महिलाओं को शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखाना, नौजवान लड़कों को नौकरी दिलाने हेतु अफसर से बातें करना, शादी ब्याह के अवसर पर सोने चांदी से लेकर हींग हल्दी तक की खरीदारी, यही सब फुआ की दिनचर्या थी। अंतिम बार फुआ मेरी भतीजी की शादी में आई। आते ही पूरे परिवेश पर छा गई। महिलाओं के व्यवहार की बातें ही क्यों, पुरुष भी रस्म अदायगी में फुआ से राय विचार लिया करते। मंजू को देने के लिए अपने साथ लाई साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सबको दिखाती रहीं। भैया की मदद के लिए चावल चूड़ा दाल दही भी ले आई थी। अपने ब्लाउज में बने पॉकेट में नोटों की गड्डियां दिखाकर भैया की हिम्मत बढ़ाई। बेटी की शादी में पैसे की कमी पड़े तो संकोच नहीं करना बबुआ, तेरी बुआ अभी जिंदा है। भैया की आंखें गीली हो आई। मेरे किसी भाई ने दूर से ही फुआ को छेड़ा। फुआ के घर में अन्न नहीं है, तभी तो भोज खाने आ गई है। फुआ तपाक से बोली, क्या बोला? तुम्हें मेरी जिंदगी कटा रहा है, चल दिखा दूं, मेरा घर तो अन्न से भरा है। और फिर तो पिछले 5 साल में कितना अन्न हुआ, अन्न बेचकर कितने रुपए हुए, कौन कौन तीरथ गई,
देवर की किस बेटी की शादी में कितनी मदद की, महके में आयोजित विभिन्न अवसरों पर कितना खर्च किया, सारा जमा खर्चा सुनाती गई। किसी ने फिर छिड़ा, लेकिन फुआ के देवर नहीं पूछते। फुआ ससुराल में महके वालों की शिकायत नहीं सुन सकती, महके में ससुराल वालों की भी नहीं। बोली, जा जा, मेरे देवरों के पैर की धूल के बराबर नहीं हो तुम लोग। फुआ के चेहरे पर जीवन और जगत से लड़ाई से उत्पन्न चिन्ह दिखने लगे थे। मैंने कहा, फुआ अब आप थकी लग रही हैं। ना बेटा, थके मेरे दुश्मन, अभी पशुपतिनाथ से आई हूँ, अगले महीने रामेश्वरम जा रही हूँ। फुआ क्या बूढ़ा क्या जवान, बच्चों तक को सुनती और अपनी सुनाती नहीं। उनसे बातें करते हुए एक एक स्त्री पुरुष अपने व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ भूल जाते। किसी को बेटी की शादी, बेटे की नौकरी, पति की बीमारी, घर जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे रोजमर्रा के व्यक्तिगत झंझटों को फुआ का सानिध्य मात्र सहला जाता। फुआ के सामने भला पति, पुत्र, नाती, पोते वाली स्त्री क्यों रोए? फुआ कभी नहीं रोई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा, सबको दिया। माँ, भाई, भतीजे, अड़ोस पड़ोस को देती रही पैसा कौड़ी, अनाज, वस्त्र और इससे भी बढ़कर तसल्ली, हिम्मत, जीवन से लड़ने की प्रेरणा। मंजू की विदाई के बाद उन्हें घर लौटना था। भाभी रोने धोने में ही लगी थी। फुआ ने डांट लगाई, चुप कर बहू, क्यों रोती हो? अब तुम झटपट मुझे विदा करो, कुछ मिठाई हो तो बांध दो। मैंने मजाक किया, फुआ बड़ी लोभी हो, भाभी से बिना मिठाई लिए नहीं जाओगी, तुम्हारे घर में तो कोई खाने वाला भी नहीं है। जबान से बात छिटक कर कहीं मेरे ही दिल में चुप गई। मैं जब तक अफसोस जाहिर करूं, फुआ संयत स्वर में मुझे दुनियादारी समझाने लगी। मैं तो मिठाई खाती भी नहीं, घर में बहुत बच्चे सब हैं ना, मैके से खाली हाथ जाऊं तो ससुराल में मैके की हंसी कराऊं। यहाँ लौटते वक्त कई बार तो वो बस स्टैंड से कुछ मिठाई बताशा खरीद लेती हूँ, पहुँचते ही बच्चे सब दौड़ पड़ते हैं, सबको बांट देती हूँ। मैंने फिर पूछा, फुआ आपके हिस्से की ज़मीन आपके नाम ही है ना? फुआ की व्यवहारिक बुद्धि बोल पड़ी, और क्या, अपनी ज़िंदगी भर किसी के नाम ना लिखूंगी, भला इसके बाद कौन पूछेगा? ज़िंदगी के बाद के लिए तो बेटी के नाम लिख जाएंगी ना, मेरी दृढ़ धारणा मुखर हुई थी। फुआ के मन में उत्तर जैसे पक चुका था। तपाक से बोली, नहीं, उसे जो देना था हाथ उठाकर बहुत दिया, जमीन तो देवरों के नाम कर जाऊंगी। उन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, अपने पति बेटों से भी बढ़कर, कभी तुम्हारे फूफा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उनके प्रति बेइंसाफी नहीं कर सकती, आखिर ऊपर वाला भी पूछेगा ना, क्या जवाब दूंगी? और एकाएक जैसे उन्हें जीवंतता का एहसास हो आया, बोली, मैं जल्दी मरने वाली नहीं, मुझे दुनिया में जीना अच्छा लगता है, मरना नहीं। 70 वर्ष की वयस वाली फुआ को मरना कबूल नहीं, मर मर कर जीना भी नहीं। निश्चय ही उनका जीवंत व्यक्तिगत जीवन से हार मानने के क्षणों में स्त्री पुरुषों के लिए अमृत की बूंद बनता रहेगा। राधा को भी वही बूंद मिल गई थी। राधा ने अपने आंसू पोंछ लिए। जीवन और जगत से लड़ते अपने दोनों कुल के नर नारियों के लिए आदर्श बनी शिशा फुआ को भी अंतकाल ने डस ही लिया। खटिया पर पड़ी यम देवता का इंतजार करती हुए फुआ की दुर्दशा का वृतांत भी भाभी ने सुनाया। मुझे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं, उनके रहते परिवार का बंधन बिखरने लगा। उनका शरीर गिर गया था, शरीर के 2 प्रमुख यंत्रों आंख और कान के सहारे उन्हें सब दिख सुन रहा था। सब भाई, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी फुआ के अंतकाल से पहले जमीन अपने नाम कराने के आपाधापी में लग गई। जिसने सबकी सेवा की, उसकी सेवा में कोई तत्पर नहीं। फुआ का कंठस्वर अवरुद्ध हो गया था। इसलिए जब उनकी बेटी जमीन का कागज बनवाकर उनके अंगूठे में स्याही लगाने लगी, फुआ की भ्रुकुटी तन गई। उस परास भ्रुकुटी में तब भी इतना दमखम था कि बेटी के हाथ से स्याही गिर गई। देवरों ने भी यही किया। फुआ पहली बार गिड़गिड़ाई यम देवता के आगे, जल्दी आओ, जल्दी करो, और उनकी पुकार सुन ही ली यम देवता ने। फुआ चली गई ऊपर वाले को जवाब देने, नीचे वालों को उनके जाते ही छूट मिल गई। उनके परित्यक्त चोले को पकड़कर रोने चिल्लाने, फुआ की संजोई संपत्ति का बंदर बांट करने की। तो ये थी मृदुला सिन्हा जी की कहानी शीशा फुआ। सुनने के लिए धन्यवाद।